की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने का पूरा दावा किया है। इसके लिए शहर को 3 जोन में बांट दिया गया है। इन 3 जोन को 8 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। शहर में 17 महत्वपूर्ण जगहों को चिन्हित करके खास सतर्कता बरती जा रही है। तो वही नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने खुद सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। त्योहार के मद्देनजर पुलिस को कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहिए और ऐसे में पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए खुद निरीक्षण करते हुए भी पुलिस प्रशासन नजर आई है और चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है। आने जाने वाले लोगों पर भी साफ तौर पर निगरानी रखी जा रही है। तो नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि त्योहार का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में कोई भी अनहोनी ना हो जाए इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आने जाने वाले तमाम लोगों पर निगरानी रखी जा रही है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो दीपावली के पावन पर्व पर खासतौर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखी जाए तो पुलिस प्रशासन ने तमाम टीमों का गठन किया है। अलग अलग जगहों पर इन टीमों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि तमाम बैठकें भी की गई थी और उस बैठक के आधार पर टीमों का गठन किया गया है। थाना अध्यक्षों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और दीपावली और धनतेरस की वजह से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। आने जाने वाले लोगों की चेकिंग भी की जा रही है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो नोएडा में रात में भी चौकसी बढ़ा दी गई है और पुलिस कमिश्नर ने खुद यहां पर इसका जायजा लिया है। लोगों से भी बातचीत करते हुए नजर आया।